हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। याद रखिए, ये करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर कवर करते हैं पिछले एक साल के करंट अफेयर को, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी वजह से, या उनको करंट अफेयर्स याद नहीं रहता है। तो याद रखिए, उनके लिए ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे इस सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि कितने वीडियोज यहां पर अपलोड किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में महाशक्ति मंदिर को स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, स्थानांतरित मतलब उसको शिफ्ट किया जाएगा। अब बात आती है यार कि इतने बड़े मंदिर को शिफ्ट कैसे किया जाएगा, पहला रीजन। दूसरी बात, ये मंदिर है कहाँ पे। तीसरी बात, इस मंदिर को क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से मंदिरों के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, त्यौहार को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे आपने देखा होगा सबरीमाला मंदिर के बारे में आपसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम पूछ चुका है। सबरीमाला मंदिर कहां पर है, केरल में। और जल्लीकट्टू त्यौहार के ऊपर काफी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में, वो तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से लगा कि इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं यहां पे ला दिया हूं। ठीक है, तो महाशक्ति मंदिर जो है दोस्तों, ये आपके तमिलनाडु में। यहां पर इमेज में देखिए, महाशक्ति मंदिर का इमेज भी दिख रहा होगा आपको, ये तमिलनाडु का मंदिर है। अब बात आती है कि इसको हटाया क्यों जा रहा है। तो याद रखिए, तमिलनाडु में है मद्रास हाईकोर्ट। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस मंदिर को अपने स्थान से 270 मीटर दूर जो है खिसका दिया जाएगा, वहां पर रखा जाएगा। मतलब वहां पर रखा मतलब इसको तोड़ करके हटाया नहीं जाएगा, इसके जगह पर एक नया मंदिर जो है बनाया जाएगा और इसको जो है हटा दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इस मंदिर को तमिलनाडु में नरियम्मन मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा नरियम्मन। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नरियम्मन मंदिर कहां पर है या महाशक्ति मंदिर कहां पर है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है कि हाल ही में किसने भारत में $1 बिलियन के निवेश की घोषणा किया। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, इस मंदिर को क्यों खिसकाया जा रहा है, क्यों स्थानांतरित किया जा रहा है। तो दोस्तों, वहां पर एक राजमार्ग गुजरने वाला है वहां से, इसके लिए इस मंदिर को यहाँ से हटाया जा रहा है और दूसरे जगह जो है शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा हाल ही में किसने भारत में $1 बिलियन के निवेश की घोषणा किया है। दोस्तों, जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपके सामने ऑप्शन होते हैं तो ज़्यादातर लोग ऑप्शन टिक करते हैं। फेसबुक को अगर ना पता होता है तो तुक्का लगाने की कंडीशन बता रहा हूं। ठीक है, आप चाहे फेसबुक टिक करते हैं, आप वर्ल्ड बैंक को टिक करते हैं, आप IMF को टिक करते हैं, मतलब इसी तरह का ऑप्शन ढूंढ करके आप टिक करते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शन रहेंगे तो आप गलती कर दोगे। याद रखिएगा, $1 बिलियन निवेश करने जा रहा है मास्टर कार्ड। दोस्तों, ये नाम और ये सिंबल जाना पहचाना लग रहा है। अगर आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो तो आप उसको देखेंगे तो उस पर मास्टर कार्ड या तो मिल जाएगा, या अगर मास्टर कार्ड नहीं मिलता है तो आपको वीजा कार्ड मिल सकता है, और वीजा नहीं मिलेगा तो आपको रुपे कार्ड मिल सकता है, रुपे। ठीक है, याद रखिए, तीन तरह के कार्ड होते हैं। एक तो आपका मास्टर कार्ड होता है, एक वीजा कार्ड होता है, एक रुपे कार्ड होता है। इसमें से मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड, ये दोनों जो है दोस्तों, ये अमेरिका की कंपनी है। क्या है, अमेरिका की कंपनी है। और जो रुपे कार्ड है, ये इंडियन कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि मास्टर कार्ड ही $1 बिलियन निवेश करके भारत में करना क्या चाहता है। दोस्तों, क्या होता है ना, जब भी आप कोई पेमेंट करते हो कार्ड के थ्रू, तो उसका जो डेटा होता है ना, वो डेटा भारत में स्टोर नहीं होता है, वो डेटा भारत के बाहर स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि $1 बिलियन निवेश करके मास्टर कार्ड अपना स्टोरेज जो है वो भारत में खोलने जा रही है। ठीक है, याद रखिए, और यानी अब ये होगा कि इंडिया का जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर होगा, और इसके लिए स्थानीय भुगतान प्रसंस्करण केंद्र बनाए जा रहे हैं जगह जगह पर, जिसके लिए 350 मिलियन, याद रखिएगा, $1 मिलियन जो है अब तक पेमेंट हो चुका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे रुपए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रुपए को भारतीय कंपनी ने डेवलप किया है, किसने, NPCI ने डेवलप किया, किसने, NPCI ने। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसने डेवलप किया, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा हाल ही में इब्सा क्या दोस्तों, इब्सा तीन देशों का संगठन है। इब्सा में आई का मतलब होता है इंडिया, ठीक है, बी का मतलब होता ब्राजील, और यस ए का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्या, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये तीन देशों का एक ज्वाइंट है, मतलब कि एक समूह है, एक फोरम है। ठीक है, याद रखिएगा,
क्या नाम है इसका, इब्सा। तो इब्सा का जो शेरपा थे, शेरपा मतलब होता है दोस्तों वहाँ के हेड, ठीक है, शेरपा मतलब क्या होता है वहाँ के जो हेड हैं, उनकी बैठक हुई है। और अच्छी बात है दोस्तों कि ये बैठक आपके कोचीन में हुई है। कोचीन कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कोचीन का नाम अभी हाल ही में एक बार और आया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोचीन का जो एयरपोर्ट है 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है, इसलिए हम लोग कोचीन को याद रखे थे, ठीक है, तो आप भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कोचीन एयरपोर्ट को 2018 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया गया था। अब आप कहेंगे यार चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड तो सुना सुना सा लगता है। दोस्तों चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था मोदी जी को और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को, ठीक है, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था, ठीक है। क्या नाम था उसका, चैंपियन ऑफ द अर्थ, तो व्यक्तियों में इन दोनों लोगों को मिला है। और किस एयरपोर्ट को मिला है, तो याद रखिएगा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है किसको, कोचीन एयरपोर्ट को, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है कि हाल ही में किस देश की वायुसेना ने सील्ड, सील्ड का नाम तो सुना है, हम लोग एवेंजर मूवी देखे हुए हैं तो उसमें सील्ड का नाम हमको सुनने के लिए मिलता है, करा सील्ड नाम का एक लेजर सिस्टम का परीक्षण किया है किस देश की वायुसेना ने। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो परीक्षण किया है ये अमेरिका ने किया है, यूएसए ने किया, ठीक है। और यहाँ पर सील्ड का बाकायदा नाम भी है, सील्ड को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ, यस माने होता है सेल्फ, पी माने हो जाएगा प्रोटेक्टेड, ठीक है। सील्ड में देखिए सेल्फ प्रोटेक्टेड हाई एनर्जी लेजर डिमॉन्स्ट्रेटर, काफ़ी लंबा नाम है बट आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। सील्ड वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही याद रखिएगा। जब सील्ड में होगा क्या दोस्तों, इसमें एक लेजर लाइट, आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक लेजर लाइट निकल रहा है, ठीक है, जो सामने वाले को मार गिराएगा या हमला करने के लिए है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस तरह के डिवाइसेस को किसने बनाया है, तो अमेरिका ने बनाया है, ठीक है। आगे कह रहा है हाल ही में लॉन्च पुस्तक गेम चेंजर यह किसकी आत्मकथा है, तो फोटो देख करके तो आप जान गए होंगे, ठीक है, इनका नाम है शाहिद अफरीदी, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो गेम चेंजर किसकी बायोग्राफी है, तो याद रखिए शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी है। और अभी एक चीज और आपको पता होगा दोस्तों, गौतम गंभीर की थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी शाहिद अफरीदी के साथ, तो शाहिद अफरीदी ने अपनी इस किताब में उस लड़ाई का भी जिक्र किया है जिसके लिए दो थोड़ी सी उसकी निंदा भी की गई है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, शाहिद अफरीदी के साथ एक लोग और यहां पर मिलकर इस किताब को लिखे हैं जिनका नाम नीचे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है वजाहन एस खान, ठीक है, क्या नाम है, वजाहन एस खान, याद रखिएगा, वजाहत वजाहत त लास्ट में, ठीक है, एस खान यहाँ पे लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा इनके साथ मिलकर के शाहिद अफरीदी ने किताब लिखा था। दोस्तों अभी हाल ही में एक और किताब आया था, एक क्रिकेटर के द्वारा लिखा गया था, 281 एंड बियॉन्ड, याद है ना आपको, एंड बियॉन्ड, ये किताब किसने लिखा था, तो वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा था, याद रखिएगा। इसके कुछ दिन पहले नो स्पिन एक बुक आई थी, ऑटोबायोग्राफी आई थी, ये किसका था, ये सेन वार्न का था, किसका था, सेन वार्न का। इसके पहले सौरभ गांगुली का भी आ चुका था, अ सेंचुरी नॉट एनफ, ठीक है, ये उनकी थी। फिलहाल के लिए आप गेम चेंजर याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर हाल ही में किसे वीके कृष्णा मेनन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है दोस्तों जी डी रॉबर्ट गोविंदर, क्या नाम है, जी डी रॉबर्ट गोविंदर, गोविंदर, ठीक है, इनका नाम है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नवाजा गया। दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में काम करने वाले भारतीय मूल के पत्रकार थे, ठीक है, और अभी कुछ समय पहले इनका निधन भी हो गया था, 2016 में ब्रिटेन में इनका निधन हुआ था, याद रखेगा। और इनको दिया गया पुरस्कार वीके कृष्णा मेनन पुरस्कार, ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना, इस वजह से मैं यहाँ पे ला दिया। करा G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, तो याद रखे फ्रांस में हो रहा है, 24-25 अगस्त को दोस्तों ये प्रोग्राम किया जाने वाला है। फ्रांस के किस जगह पर किया जाने वाला, तो डिसाइड हो गया है, उस जगह का नाम है बियारिट्ज, क्या नाम है, बियारिट्ज, याद रखेगा, फ्रांस के बियारिट्ज में G7 का जो है मीटिंग होने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि यहां पर कुछ लोगों को गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया, स्पेशल कंट्री के रूप में बुलाया गया, जिसमें से भारत का नाम भी शामिल है, ठीक है, भारत को इस पे, भारत वैसे G7 का मेंबर तो है नहीं, G7 का मेंबर कितने लोग हैं, याद रखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा कई बार फ्रांस आए, ठीक है, तो जी माने जाता जर्मनी, जा माने होता जापान, जर्मनी जापान, कई क माने कनाडा, ई माने इटली, जीजा कई बार, बा माने हो जाता ब्रिटेन, आर माने रूस, याद रखिए रूस वैसे हट चुका है G7 से, 2014 में ही उसने अपने आप को इस्तीफा दे दिया, वहाँ से हटा लिया, बट यहाँ पे रूस को भी याद रखिए। फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस आए, आए फ्रांस आए, आए माने क्या हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है, तो कुल मिलाकर के 7 देश हैं यहाँ पर। उसके अलावा स्पेशल कंट्री को भी आमंत्रित किया गया, जैसे इंडिया को आमंत्रित
आमंत्रित किया गया है, जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया है, जैसे दक्षिण अमेरिका के चिली को आमंत्रित किया गया है, जैसे आपके साउथ अफ्रीका को आमंत्रित किया गया है। चार देशों को स्पेशल इन्विटेशन मिला हुआ है कि भैया आप आइएगा G7 की मीटिंग में, ठीक है, इसको याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉर्पियन क्लास की किस पनडुब्बी को लॉन्च किया गया। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, भारत एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका नाम था प्रोजेक्ट 75। कौन सा प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट 75। इसके तहत दोस्तों कुल 6 तरह की पनडुब्बी बनाई जानी थी और उसमें से चौथी तरह की पनडुब्बी है दोस्तों स्कॉर्पियन पनडुब्बी, याद रखेगा, ठीक है। 6 में से चौथी पनडुब्बी हमारे पास है स्कॉर्पियन क्लास की, जिस पनडुब्बी की अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, याद रखे, इसका नाम है INS वेला। क्या नाम है? INS वेला, याद रखेगा, INS वेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले ही जनवरी में दोस्तों आपको पता होगा आया था आपका, कौन सा आया था? INS करंज आया था। कौन सा आया था? INS करंज, ये जनवरी में लॉन्च हुआ था और अभी मई में INS वेला लॉन्च हो गया, ठीक है। अभी दो पे और काम चल रहा है, दो और अभी दो चार महीनों में सकता आ जाएंगे आपके सामने। एक आने वाला आपके सामने INS वागीर आने वाला है, एक आने वाला है वागसीर। वागीर और वागसीर मिलते जुलते नाम है, ठीक है। तो इस चार को याद रखेगा, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अच्छा, स्कॉर्पियन श्रेणी होता क्या है? तो याद रखिए, इस श्रेणी में क्या होता है ना कि जो पनडुब्बी मैंने समझ रहे हैं ना, पानी के अंदर और बाहर दोनों तरफ काम करेगा, ठीक है, पनडुब्बी है, ठीक है। और इसको बनाया गया मुंबई के गांव डॉकयार्ड पर, ठीक है। अच्छा, स्कॉर्पियन पनडुब्बी का मतलब क्या है? डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों सुविधाएं इसमें मौजूद रहेंगी, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का नाम दिया गया है, एक चीज। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, अभी याद आ गया, 36 साल बाद अभी आपका एक INS रिटायर हो रहा है, आपको उसका नाम पता है? उसका नाम है INS रंजीत, ये आपके रिटायर होने वाला है, ठीक है, हो चुका है रिटायर, ठीक है, ये आपका लेटेस्ट न्यूज है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसरो ने किन सैटेलाइट के जरिए तूफानी फान, तो एक तूफान आया था फानी, ठीक है, फानी तूफान का नाम सुना होगा, जो भी उड़ीसा के तट पर टकराया, ठीक है, वहाँ पर कहाँ पे टकराया? तो पुरी में टकराया था, याद रखेगा। कह रहा है किस सैटेलाइट इसको ट्रैक किया जिससे लाखों लोगों को नुकसान होने से बचा लिया गया है। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट ये न्यूज है आपके लिए, याद रखेगा। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि पिछले एक सालों में इसरो जो है वो एकदम एक्टिव हो गया है और धुआंधार सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, और आपने तो सुना भी था कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले 100 से ज़्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दिया। दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट, दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट, ठीक है, लंबा चौड़ा ऊंचा नीचा हर तरह का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है हमारा इसरो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नासा के बाद पूरी दुनिया अगर किसी को जाना जाता है, इसरो को जाना जाता है। अब सोचिए दुनिया में कितने सारे कंट्री हैं, सब लोग स्पेस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो है कोई आगे नहीं है, ठीक है, हमसे आगे कोई नहीं, तो इसरो याद रखिए। अच्छा, इसरो ने इतनी सैटेलाइट लॉन्च किया तो भाई उसका फ़ायदा भी तो होना चाहिए, और फ़ायदा हुआ क्या? अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, ये जो तूफान था फानी ना, इसको नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने नाम दिया था, और ये बंगाल की खाड़ी में पैदा हुआ था। पैदा होने के बाद दोस्तों ये तमिलनाडु से टकराने के लिए आ रहा था, और तमिलनाडु जो है इसके लिए पूरी व्यवस्था भी बना रहा था, लेकिन अचानक से इसने अपनी दिशा को मोड़ लिया और तमिलनाडु के बजाय ये कहां पर चला गया? उड़ीसा की तरफ चलने लगा, और उसी समय हमारी सारी सैटेलाइट एक साथ, पांच सैटेलाइट इस पे काम कर रही थी। मैं उसका नाम बताना चाहूंगा ऐसे सैटेलाइटों का, ठीक है, और ऐसे लोगों का नमन करिए जिन्होंने इस तरह की सैटेलाइट बनाया और लाखों लोगों को जो है जान माल की हानि होने से बचाया, ठीक है। तो एक का नाम है इनसैट 3D, दूसरे का नाम है इनसैट 3DR, ठीक है, ये दो सैटेलाइट हो गए एक श्रेणी की। इसके अलावा दोस्तों स्कैट सेट, याद रखिएगा, स्कैट सेट वन, और इसके अलावा ओशियन सेट एक स्पेशली बनाया गया था, ओशियन सेट, ठीक है, ओशियन सेट 2। इसके अलावा दोस्तों एक था मेगा ट्रॉपिक्स, ठीक है। ये कुल मिलाकर के 5 सैटेलाइट थी जो इससे निपटने के लिए काम कर रही थी, और जब इस चीज़ में बचाव किया गया ना, तो जो UN है, यूनाइटेड नेशन, उसने इस आपदा से निपटने के लिए भारत को सराहा, खूब सराहा कि मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया। और क्यों ना सराहे भाई, बहुत अच्छा काम है ही है कि हम लोगों ने लाखों लोगों को जान माल के नुकसान होने से बचा लिया। और जो तमिलनाडु था तो उसकी जान बच गई, तो तमिलनाडु ने 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए उठा करके दे दिए थे, किसको? उड़ीसा को दे दिए, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करा हाल ही में किस संस्थान ने हिंसक मौतों की वैश्विक रजिस्ट्री करनी शुरू कर दिया है? तो सीप्री दोस्तों एक है, ठीक है, सीप्री याद रखिए, स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। करा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, सीप्री। तो याद रखिए सीप्री क्या करेगा कि हिंसा में जो लोग मारे जाएंगे उनको काउंटिंग करने की काम करेगा, ठीक है, उनको काउंट करेगा पूरे विश्व में कि कितने लोग जो है हिंसा के द्वारा मारे गए हैं, चाहे वो किसी बम विस्फोट में मारे गए हों, किसी आतंकवादी गतिविधियों में मारे गए,
हो, किसी तरह के एक्सीडेंट में मारे गए हो, उनको ये काउंट करेगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम को एक नाम भी दिया गया, ठीक है, इस प्रोग्राम को नाम दिया गया दोस्तों ग्रीव्ड। क्या नाम दिया गया है? ग्रीव्ड नाम दिया गया, ठीक है, जी रह गया यहाँ पर, जी, ग्रीव्ड। ग्रीव्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ वायलेंट्री डेथ, ठीक है, इसको याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1966 में इसको बनाया गया था, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेगा, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से, उसको पूरा देखेगा, उसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।